गुजरात टाइटन से आईपीएल 2024 के लिए हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की टीम में ट्रेड हो चुके हैं, लेकिन एमआई की टीम में ट्रेड होने के बाद हार्दिक पांड्या की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल अगर आप लोगों को याद हो तो आईपीएल के ट्रेड विंडो के रूल्स के हिसाब से कोई भी प्लेयर जब तक अपनी पेटेंट आईपीएल टीम में मौजूद है तब तक वो किसी भी दूसरी आईपीएल टीम के कॉन्टेक्ट में नहीं रह सकता है। पास्ट में इसी रूल के चलते हुए रविंद्र जडेजा को 2 साल आईपीएल के लिए बैन कर दिया गया था क्योंकि वो अपनी टीम में रहते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ कॉन्टेक्ट में चल रहे थे। और अब हार्दिक पांड्या पर भी इसी चीज के लिए गुजरात के कुछ फैंस के द्वारा केस कर दिया गया है। दरअसल हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस की टीम के कैप्टन थे, लेकिन जीटी की टीम के रिलीज्ड और रिटेन प्लेयर्स के लिस्ट आउट होने से पहले ही हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की टीम और उनके ओनर्स के साथ कॉन्टेक्ट में आ गए थे। हार्दिक चाहते थे कि मुंबई इंडियंस की टीम उनको जीटी की टीम से ट्रेड कर ले, और इसी रिगार्डिंग ये जो चीज है ये आईपीएल के ट्रेड रूल्स को अफेक्ट करती है और उसको वायलेट भी करती है। हार्दिक पांड्या इस वजह से काफी ज्यादा दिक्कत में आ सकते हैं क्योंकि अगर ये पाया जाता है कि हार्दिक पांड्या रिलीज्ड और रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट आने से पहले मुंबई इंडियंस की टीम के साथ कांटेक्ट में थे और उनसे बातचीत कर रहे थे कि वो उनको गुजरात टाइटन से ट्रेड कर लें, तो फिर हो सकता है कि हार्दिक पांड्या के ऊपर हमें बैन लगता हुआ नजर आए। रूल के हिसाब से जो बैन का टाइम होता है वो 2 साल का होता है, यानी कि अगर इस रूल को फॉलो किया जाए तो हार्दिक पांड्या हमें आईपीएल 2024 और आईपीएल 2025 से बैन होते हुए नजर आ सकते हैं। कॉमेंट करके आप लोग बताना हार्दिक पांड्या के इस ट्रांसफर के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कि आपको लगता है कि अगर हार्दिक ने रूल्स को ब्रेक किया है तो उनको बैन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।